और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला ने अशोक तंवर का धन्यवाद किया है। जेजेपी उम्मीदवारों का समर्थन करने पर उन्होंने अशोक तंवर का धन्यवाद किया है। अशोक तंवर ने अपने जीवन में संघर्ष किया है, ये कहना है दुष्यंत चौटाला का, और इसी को लेकर उन्होंने उनका धन्यवाद भी किया है क्योंकि अशोक तंवर जेजेपी के उम्मीदवारों को समर्थन कर रहे थे। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और वो अभी तक किसी भी पार्टी में नहीं गए हैं, लेकिन इससे पहले वो अपने ही पार्टी के छोड़े हुए एक नेता जो कि निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं उनको समर्थन देते हुए नजर आ रहे थे। और इस बार जेजेपी उम्मीदवारों का समर्थन करने पर दुष्यंत चौटाला ने अशोक तंवर का धन्यवाद किया है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला ने अशोक तंवर का धन्यवाद किया है क्योंकि अशोक तंवर ने जेजेपी उम्मीदवारों का समर्थन किया था। मैं उनका धन्यवाद करूंगा और ऐसे व्यक्ति जिसने अपने जीवन में लट खाए, संघर्ष किया, आज उनको हमारे कैंडिडेट्स में कुछ अच्छाई दिख रही है, उनका समर्थन वो कर रहे हैं, उसके लिए तय दिल से उनका हम आभारी भी है। उनका धन्यवाद करूंगा और ऐसे व्यक्ति जिसने अपने जीवन में लट खाए, संघर्ष किया, आज उनको हमारे कैंडिडेट्स में कुछ अच्छाई दिख रही है, उनका समर्थन वो कर रहे हैं, उसके लिए तय दिल से उनका हम आभारी भी है। उनका धन्यवाद करूंगा और ऐसे व्यक्ति जिसने अपने जीवन में लट खाए, संघर्ष किया, आज उनको हमारे कैंडिडेट्स में कुछ अच्छाई दिख रही है, उनका समर्थन वो कर रहे हैं, उसके लिए तय दिल से उनका हम आभारी। बता दें कि उन्होंने जेजेपी के उम्मीदवारों का समर्थन किया था अशोक तंवर ने, और क्या कुछ कहा था ये सुना देते हैं आपको अशोक तंवर ने। से जेजेपी तो नई पार्टी है, जेजेपी में अच्छे लोग होंगे तो उनका भी समर्थन किया जाएगा, पूरा साथ देंगे। जेजेपी तो नई पार्टी है, जेजेपी में अच्छे लोग होंगे तो उनका भी समर्थन किया जाएगा, पूरा साथ देंगे। जेजेपी तो नई पार्टी है, जेजेपी में अच्छे लोग होंगे तो। आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन सिवर जुड़ चुके हैं। पवन सिवर, इससे पहले भी जो अशोक तंवर हैं वो निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देते हुए नजर आ रहे थे और इस बार वो दुष्यंत चौटाला के समर्थकों को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, प्रत्याशियों को जेजेपी के। बिल्कुल, अशोक तंवर जो है वो पूरे तरीके से कांग्रेस के खिलाफ और खास तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा धड़े के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और लगातार जो है वो उनके ऊपर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साध रहे हैं और कांग्रेस के ऊपर टिकट वितरण में धांधली करने का और टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच अशोक तंवर ने जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवारों को समर्थन करने की बात की है। तंवर ने कहा है कि जननायक जनता पार्टी नई पार्टी है और इस नई पार्टी में अगर कोई जो अच्छे लोग हैं उनका वो जरूर समर्थन करेंगे। साफ है कि अशोक तंवर के कई नजदीकी जो है वो जननायक जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस से टिकट काटा और उसके बाद जननायक जनता पार्टी से तंवर के कई समर्थक जो है वो मैदान में है, लिहाजा अशोक तंवर जो है वो जननायक जनता पार्टी के अच्छे उम्मीदवारों के समर्थन की बात कर रहे हैं। तय है कि अशोक तंवर ने एक बेड़ा उठाया है कि कांग्रेस का और खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पूरे तरीके से नुकसान जो है वो करना है और जिस तरीके के आरोप लगाकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है उसके चलते कांग्रेस के खिलाफ उनकी मुहिम है, तो उस मुहिम में जहां भर भी उनको जो उम्मीदवार लग रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिए।